हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होस्टिंगर से निकालेंगे, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस तरह से लगा सकते हैं ताकि हम अपने जो डेटा है उसको सेव कर सकें, हमारे सालों की मेहनत को सेव कर सकें। हमारे एक यूजर ने बोला कि सर हमें ये भी बताइए कि किस तरह से हम इसको बाद में बंद कर सकते हैं, इस ऑथेंटिकेशन को हम डिसेबल कैसे कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनाइए। तो इसलिए मैं इस वीडियो को भी लेके आया हूँ। चलो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको बंद कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने जो होस्टिंगर है उसमें लॉगिन कर लेना है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से। आपको जो कोड आएगा आपके मोबाइल पे उसको यूज कर लेना है, या फिर ईमेल पे आएगा वो यूज कर लेना है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो कोड है मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया। अभी आपको करना क्या है, सिंपली आपको चले जाना है यहाँ पे अकाउंट्स में, और यहाँ पे सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आने के बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ पे मोबाइल ऑथेंटिकेशन मेथड दिखा रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो वेरिफिकेशन कराया था वो मोबाइल ऑथेंटिकेशन के थ्रू कराया था। तो अभी हमें इसको डिसेबल करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे डिसेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए डिसेबल मोबाइल ऑथेंटिकेशन आप किस मेथड से कर सकते हैं। पहले इंटर द कोड फ्रॉम द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कराया था अपने मोबाइल में, ऑथेंटिक ऐप था और नोट्स करके था और गूगल ऑथेंटिक करके था। ये तीन एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल किए थे हमने, उसके मदर से हमने स्कैन करके उसको लॉगिन किया था, ठीक है, और यहाँ पे वेरीफाई किया था। तो अभी हमारे उसी ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली जो भी कोड आपको दिख रहा होगा होस्टिंगर की इस ईमेल आईडी के लिए, आप यहाँ पे उस कोड को पेस्ट करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे इंटर कोड फ्रॉम एप्लीकेशन, आपके पास वो है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि जो हमने बैकअप कोड रहते हैं, हमने जो डाउनलोड किया था बैकअप कोड, आप उसको भी यूज कर सकते हैं इंटर पासवर्ड करके। अभी देखता हूँ कि मेरे पास वो बैकअप कोड है, नहीं तो हम उसको डायरेक्टली गैस, मैंने मैं वो बैकअप कोड को नहीं रखा था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटर कोड फ्रॉम एप्लीकेशन करता हूँ जो मैंने एप्लीकेशन में इंस्टॉल किया है। मैं अभी इसको कंटिन्यू करूंगा और उस कोड को यहाँ पे लेके आऊंगा। अभी हमको क्या करना है, उस कोड को यहाँ पे एंटर करना है जो हमारा कोड यहाँ पे जनरेट हुआ है हमारे मोबाइल में। यहाँ पे वेरीफाई करूंगा। देखिए जैसे मैंने इसको वेरीफाई किया, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हैज बीन डिसेबल, ठीक है गाइस। इतना ही करने के बाद आपका जो टू वे ऑथेंटिकेशन है वो डिसेबल हो जाएगा। आप वापस से होम पे आएंगे तो देखिए वापस से वही प्रोसीजर बता रहा है, या अकाउंट एक्शन करके प्रोटेक्ट योर अकाउंट, यहाँ पे देखिए आ रहा है विद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे दिखा रहा है। फिर से आप एबल करना चाहते हैं, जब भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है गाइज। इस तरह से आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को डिसेबल कर सकते हैं। और आपको उसको एबल करना है तो उसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि किस तरह से उसको एबल करते हैं, ठीक है गाइज। तो कैसा लगा गाइज ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ वेब से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon.